आज की रेसिपी है शामी कबाब की, जो हर घरों की फेवरेट है। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है। कीमे की मटर मिन्स की बेस्ट यूज़ यही है कि हम शामी कबाब बनाएं। तो बिना टाइम के वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन मिन्स ली है। इसमें हम हाफ कप चना दाल डालेंगे, एक चम्मची अदरक की पेस्ट, एक चम्मची लहसुन की पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 5-6 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मची शाहजीरा, 1 चम्मची काली मिर्च, 1 चम्मची हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधी चम्मची लौंग। ये सारी चीज़ों को डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता भी ऐड करेंगे। और सारी चीज़ों को डालकर हम ढक्कन लगाकर 4 सीटी तेज़ और 2 सीटी धीमे लगाएंगे। तो ये हमारी मटन यहाँ पे गल चुकी है कीमा। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे, ठंडी हो जाएगी तो हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे सारी चीज़ों को। और एक अंडा डालेंगे, अंडा डालकर हम इसे पीस लेंगे। अंडे से बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है और आपकी कीमा शामी कबाब नहीं फटेगी, तो अंडा ज़रूर डालें। अब हम इसमें चॉप्ड कीवी प्याज, कुछ हरी मिर्च डालेंगे, जितना आपको तीखा पसंद हो उतनी हरी मिर्च डालें, चॉप्ड कीवी, हरी धनिया पत्ती डालें और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर लें, अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप ऐड कर दें। अब हम इसकी गोल गोल सी टिक्की बनाएंगे, टिक्किया बनाएंगे, कबाब का शेप देंगे। तो हम इस तरह से एक पोर्शन निकालेंगे। अब हम इसे टैप टैप करके अच्छे से एक गोल सा शेप दे देंगे कबाब का, और इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। जब भी आपके पास कीमा हो, मटन हो, तो आप ये बनाएं। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, सभी घरों में, अक्सर सभी घरों में बनती है। आप बनाएं और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और ये बहुत आसानी से बन जाती है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बन रही है। तो सारी टिक्की को मैंने तैयार कर ली कबाब को। अब हम तेल गर्म करेंगे और उसमें एक एक करके सारे कबाब को डालेंगे। बहुत चटपटी, बहुत चटकदार होती है ये। अगर जिन्होंने नहीं बनाया आज तक शामी कबाब तो वो ये बनाएंगे। अगर एक बार बनाएंगे तो हमेशा मटन की मिन्स को इसी तरह यूज़ करना चाहेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में अच्छे से रेड कर लेंगे। और ये टूटेगी नहीं क्योंकि आपने इसमें अंडे डाले हैं, तो बहुत अच्छे से ये तल जाएगी और अंडे की वजह से ही इसमें थोड़ी आपको झाग दिखती होगी। तो हमारे कबाब तल चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे अनियन रिंग्स, हरी मिर्च और लेमन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।